हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जुलाई में जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। वो लोग जो मुझसे नहीं पढ़ना चाहते हैं वो कैसे पढ़ें, वो लोग जो कहीं से नहीं पढ़ना चाहते हैं वो कैसे पढ़ें, और वो लोग जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो कैसे पढ़ें, ये तीनों जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। बस आप जुड़े रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसकी PDF जो स्ट्रेटजी की है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उससे वहाँ से जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। ओके, चलो आओ अब शुरू करते हैं पढ़ना। महीने भर का वेट हो चुका है। देखो, कोविड के कारण 2 साल जो पिछले गए हैं उसमें सिर्फ एक ही बार एग्जाम हुआ है। अब कोविड चला गया है तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि जुलाई में सीटेट का पेपर फिर से होगा। सीटेट के पेपर के लिए इसका मतलब है आपके पास अप्रैल, मई, जून और उसके बाद जुलाई के कुछ दिन मिलेंगे। इतने में आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपके पास 3 महीने का टाइम पूरा है स्ट्रेटजी बनाने के लिहाज से, प्लानिंग करने के लिहाज से। मैंने मान लिया है कि जो डेट होगी वो 15 जुलाई से 15 अगस्त रहने वाली है, 15 जुलाई से 15 अगस्त, ठीक है। अब 15 जुलाई मान लें, आज 24 मार्च है, तो ये मान लीजिए आप एक आध दिन छोड़ दें, कुछ भी कर दें, एक हफ्ता गैप हो जाए वगैरह, 3 महीना टोटल तो बिल्कुल है। पिछले सीटेट में मैंने केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाया था क्योंकि एक ही महीने का टाइम था और मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का अनुभव नहीं था। आपने वीडियोस भी देखे होंगे तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं थी। अब थोड़ा सेटअप वेटअप ठीक ठाक किया है, अभी और सुधारेंगे, लेकिन इस बार मैं सीटेट में सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो उनकी जानकारी सबसे आखिरी में, जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं पहले वो सुन लें कि जो किसी से नहीं पढ़ना चाहते, जो पूरी तरह से खुद तैयारी करना चाहते हैं। जैसे जब मैंने निकाला था 2021 में, तब मैंने कैसे निकाला था वो बता रहा हूँ। सबसे पहला काम है अप्रोच में, सिलेबस देखने की मूर्खता मत करना, कुछ समझ में नहीं आएगा उसकी टेंशन भूल जाओ। तुम्हें स्टडी मटेरियल का जुगाड़ करना है जो खुद से पढ़ना चाहते हैं। स्टडी मटेरियल को एक बार मिनिमम अच्छे से समझ समझ के खुद पढ़ना है, जो खुद से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए खुद पढ़ना है। उसके बाद पिछली साल के और उससे पिछली साल के जो 2 साल हुआ है, जो 1 महीने पेपर चले हैं आपके, देखो 2021 से पहले केवल एक पेपर होता था साल में, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। 2021 में पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी पेपर चला। अभी इस साल 4 महीने पहले भी 31-30 दिसंबर से शुरू हुआ और जनवरी भर पेपर चले। इस तरह के जो पेपर हुए हैं ये 2 साल के, ये बहुत जरूरी है देखने। ये थोड़ा कठिन हो गया है पेपर सीटेट का, तो इन 2 सालों के प्रीवियस पेपर देख आपको पाने हैं। प्रीवियस पेपर टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाले हुए हैं, वहाँ से ले लो या बुक खरीद लो। यूथ की आती है, यूथ कंपटीशन की किताब है, वो प्रीवियस पेपर छाप चुकी है, मुझे पता लग गया है, मेरे स्टूडेंट्स ने खरीद रखी है ऑलरेडी, इसलिए बता रहा हूँ। तो टेलीग्राम से ले लो फ्री में, या यूथ की किताब ले लेना, स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़े। प्रीवियस पेपर आपने फिर उसके बाद एक उठा के सॉल्व किया, उसमें आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, मिनिमम 90+ आ रहे हैं या नहीं, ये देखो। इस तरह से 3-4 पेपर दो प्रीवियस, ठीक है, अनसॉल्व्ड 3-4 प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए। अगर सभी में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी हो चुकी है, टेंशन फ्री हो जाएगी। अगर नंबर किसी विषय में कम आ रहे हैं, किसी एक पोर्शन में कम आ रहे हैं या ओवरऑल कम आ रहे हैं, तो उसको इवेल्युएट करिए कि किस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं। उस सब्जेक्ट के लिए फिर लेक्चर देख डालो, या तो मेरे देख लो या किसी और यूट्यूब चैनल के देख लेना। स्टडी मटेरियल तो ऑलरेडी रिवाइज करो, और उससे संबंधित जो PDF है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा वो मेरी ही देखना, मेरी PDF सबसे अच्छी है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस साल जो सीटेट हुआ है उसमें कईयों को मेरी PDF से बहुत लाभ हुआ है, और जो CDP के लेक्चर मैंने डाले थे उनसे 14 क्वेश्चन टोटल लोगों ने बताए हैं कि फंसे भी हैं, 30 में 14 फंस रहे हैं, तो अच्छी ही बात है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है जो खुद से पढ़ना चाहते हैं। स्टडी मटेरियल से पढ़िए पूरा, प्रीवियस पेपर पढ़िए, उसके बाद नंबर जोड़ो कितने आए, उसके बाद रिवाइज करो, और उसके बाद फिर से प्रीवियस पेपर देने हैं। स्टडी मटेरियल, प्रीवियस, इवेल्युएट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, PDF,
और फिर नीचे आके फिर मॉक और प्रीवियस पेपर दे के चले जाना, 90+ आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। ये अच्छे से पढ़ना है, ये अच्छे से सॉल्व करना है, लेकिन ये याद रखना। अब जो खुद से पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से, उनका स्टडी मटेरियल क्या होगा वो भी तो बताना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, ये देखो मेरे लेक्चर देखो, क्योंकि मैंने निकाले, देखो मैंने दो लगे अभी तक CDP में जो ट्रिकें मैंने डाली है ना, CDP ट्रिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो बेस्ट है, उससे अच्छी ट्रिकें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने खुद मेहनत करके बनाई थी जब मैंने पढ़ाई की थी, वो कहीं और से कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे लेक्चर देखना, CDP के लेक्चर डाले हुए हैं मैंने ऑलरेडी, वो देखना, CDP की ट्रिक्स डाली हुई हैं वो भी देख सकते हो, या फिर मैं अभी जो लेक्चर डालूंगा इसके लिए, जो लेक्चर अभी तक डले हुए हैं वो पिछली CTET के हैं, ट्रिकों वाले जो लेक्चर हैं वो सबके लिए हैं, वो कभी भी देख लो, लेकिन जो लेक्चर वाले हैं जो CDP के प्रॉपर लेक्चर हैं वो पिछली CTET के लिए हैं। तो इस बार मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ, तो इस बार के देख लेना या पिछली बार के देख लेना, टेंशन नहीं लेना। नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए हुए हैं फ्री में, PDF टेलीग्राम पे फ्री में प्रोवाइड है, प्रीवियस पेपर भी टेलीग्राम पे फ्री में प्रोवाइड है। तो तुम्हारा स्टडी मटेरियल मेरे टेलीग्राम पे पूरी तरह से उपलब्ध होगा, लेक्चर यूट्यूब पे फ्रीली उपलब्ध होंगे, तो तुमको कहीं से कुछ नहीं करना है। अब अगर तुम्हें मुझसे नहीं पढ़ना है, मेरी लाइटिंग खराब लग रही है, मेरी शक्ल खराब लग रही है, मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा है, तो सचिन अकेडमी फॉलो करना। CTET के मामले में मैं नंबर वन हूँ, मेरे बाद सचिन अकेडमी ही आती है हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है। ये सब हिंदी माध्यम की व्यवस्था है जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ा पाता अभी, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो जो मेरा नहीं करना है तो वही सेम चीज़ स्टडी मटेरियल फिर सचिन अकेडमी का उठा लेना, तुम्हारा तब भी काम हो जाएगा, ओके। अब किसी को स्टडी मटेरियल में नोट्स और नोट्स नहीं पढ़ने, PDFs नहीं पढ़नी, मन नहीं लग रहा है, बुक्स पढ़नी हो तो कहाँ से लाओगे? तो बुक्स सबसे अच्छी होती हैं TMH, टाटा मैग्रा हिल की जो बुक्स आती हैं, जो सब्जेक्ट वाइज जिनकी फोटोज मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, वो बेस्ट आती हैं। मैंने उन्हीं बुक से पढ़ा था, देखो मैंने यूट्यूब से प्रिपरेशन नहीं की थी, हमने बुक्स उठाई, बुक्स अच्छे से पढ़ी, उससे नोट्स बनाए, उससे ट्रिकें बनाई, उसके बाद पेपर देने गए थे, ठीक है, और पास हो गए थे। तो TMH की बुक बेस्ट है CTET के लिए, UPTET के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक बेस्ट है, ठीक है। तो बुकें अगर उठानी है तो TMH की उठा लेना। समझ में आ गया सारा कुछ? जिसको खुद से पढ़ना है ये उसकी व्यवस्था है, फोटो खींच लो, नोट कर लो, अपने हिसाब से समझ लो, 3 महीने का टाइम है, बड़े आराम से काम हो जाएगा तुम्हारा। अब जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल तो सेम रहेगा सबका। मैं अब आपके लिए क्या क्या करूंगा वो मैं बता देता हूं, ठीक है। CDP बाल विकास, मैं हिंदी माध्यम का अध्यापक हूं, बाय द वे मेरी इंग्लिश अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाना हिंदी में पसंद है, ये दो भाषाएं, मैथ, EVS, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, इतने सब्जेक्ट के लेक्चर 3 महीने में मिलेंगे CTET के लिए पूरी तरह से। लेक्चर मिलेंगे थ्योरी वाले, थ्योरी प्लस प्रीवियस प्लस मॉक, ये 3 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के। ये मैं करने वाला हूँ, और मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा वो मैं समझा देता हूँ। देखो ये प्योर थ्योरी है, जो EVS का सेक्शन आता है, साइंस सोशल साइंस भी प्योर थ्योरी है, रटना है रटना है रटना है, CDP भी रटना है, मैथ एक बार समझना है, हिंदी और इंग्लिश जो भाषाएं हैं इसमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रटना नहीं है,
पर्यायवाची आ गए, विलोम शब्द आ गए, एनोनेम आ गए, सिनोनेम आ गए, कॉम्प्रिहेंशन आ गया, तो इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगले हफ्ते से आपके, सोमवार से बता रहा हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश के लेक्चर आएंगे। सबसे पहले थ्योरी ख़त्म होगी, सबसे पहले हिंदी इंग्लिश पढ़ाऊँगा मैं, सबसे पहले इसकी थ्योरी, फिर पेडागोजी, सब हिंदी में पढ़ाऊंगा, शुद्ध हिंदी में, उसकी टेंशन मत लेना, मैं अभी समझाने के लिए इंग्लिश लिख रहा हूं। और उसके बाद डेली इसका प्रैक्टिस सेट चलेगा एक, ठीक है। 30 ये नंबर होते हैं, 30 ये नंबर होते हैं, 60 नंबर तुम्हारे हो गए। उसके बाद मैथ उठा लूंगा 30 नंबर की, वो भी हो जाएगी, 90 प्लस लाने, 90 का जुगाड़ तो हो ही जाएगा तुम्हारा एक महीने में, ठीक है। फिर इन तीनों के प्रैक्टिस सेट डेली एक एक आया करेंगे। उसके बाद उठाऊंगा मैं ईवीएस, साइंस और सोशल साइंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेबस इन्हीं में है, इन्हें पढ़ा दिया। उसके बाद सीडीपी सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो सबसे सरल है, सबसे छोटा, उसकी टेंशन मत लेना। पीडीएफ इन सब की ऑलरेडी ग्रुप पर डली हुई है, तो टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। इस तरह से हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सोमवार से लेक्चर शुरू होंगे, 2 दिन हैं आपके पास, सोमवार से इसके लेक्चर शुरू होंगे। अच्छे से आराम से सोच लो, सी टैट पढ़ाऊँगा, यूपी टैट पढ़ाऊँगा, उसके बाद सोचूंगा कि आगे और क्या पढ़ाना है, ठीक है। चलिए अभी आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए जिसको भी सी टैट की तैयारी करनी हो, थोड़े हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ें, थोड़ा उसका भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।